नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। एक पिता ने अपनी 8 साल की बेटी से रेप के आरोपी दोस्त को चाकू से गोदकर मार डाला। सनसनी मचा देने वाला ये मामला रूस का है। रॉकेट इंजन फैक्ट्री में काम करने वाला 34 वर्षीय व्याचेस्लाव गांव अपने 32 वर्षीय दोस्त ओलेग स्विरिडोव के साथ शराब पी रहा था, तभी व्याचेस्लाव ने अचानक से ओलेग का मोबाइल लिया और उसे चलाने लगा। इसी दौरान व्याचेस्लाव की नज़र मोबाइल में मौजूद एक वीडियो पर पड़ी। जब उसने वो वीडियो प्ले की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वीडियो व्याचेस्लाव की बेटी का था, जिसका ओलेग रेप करता दिखाई दे रहा था। अपनी बेटी के साथ रेप का वीडियो देखकर पिता आग बबूला हो गया और उसकी ओलेग से बहस शुरू हो गई। हालांकि नशे की हालत में व्याचेस्लाव कुछ कर पाता इससे पहले ही ओलेग वहां से भाग गया। इसके बाद व्याचेस्लाव ने पुलिस को पूरा मामला बताया और ओलेग के खिलाफ बेटी से रेप की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन व्याचेस्लाव अपने दोस्त के इस धोखे को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए पुलिस के साथ साथ उसने भी ओलेग को ढूंढकर सजा देने का फैसला किया और उसकी तलाश में वह निकल पड़ा। एक दिन व्याचेस्लाव का ओलेग से सामना हो गया और व्याचेस्लाव ने चाकू से गोदकर ओलेग की हत्या कर दी। पुलिस को कुछ समय बाद ओलेग का शव पास के एक जंगल से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और सबूतों के आधार पर व्याचेस्लाव को हिरासत में ले लिया। इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि ओलेग के मोबाइल पर कई और बच्चों के यौन शोषण के वीडियो थे, जिनसे वह पहले भी रेप करके खुलेआम घूम रहा था। इसलिए आज रूस का हर छोटा बड़ा शख्स उस पिता के पक्ष में खड़ा है। लोगों का कहना है कि उक्त शख्स के खिलाफ मर्डर का केस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ साथ समाज के अन्य बच्चों की भी रक्षा की है। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा है कि व्याचेस्लाव हत्यारा नहीं है, उसने अपनी बेटी और हमारे बच्चों की भी रक्षा की है, उस पर मर्डर केस नहीं चलना चाहिए। व्याचेस्लाव के सपोर्ट में रूस के कई जर्नलिस्ट भी उतर आए हैं और वो भी सजा ना देने की मांग कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।